राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, राधा रानी का विवाह वास्तव में हुआ भी था या नहीं, इस बात पर हमें अनेक मत देखने को मिलते हैं। कुछ मत बताते हैं कि राधा रानी ने आजीवन विवाह नहीं किया, जबकि कुछ मत ऐसे हैं जो मानते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा रानी ने गृहस्थ जीवन को बिताया था और अन्य गोपियों के समान विवाह किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों माना जाता है कि राधा का विवाह अयन से हुआ था और अयन से ही क्यों हुआ था, किसी और से क्यों नहीं। दोस्तों, राधा रानी के पति का नाम पुराणों में हमें अभिमन्यु देखने को मिलता है। ये अभिमन्यु महाभारत वाले नहीं हैं। अभिमन्यु को स्थानीय तौर पर अयन भी कहा जाता था। अयन और राधा की कहानी अधिकतम हमें उत्तर भारत के साहित्यों के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का जिक्र ही नहीं है। कुछ साहित्यों में बताया जाता है कि वो जाति से यादव थे और महाकाली के बड़े भक्त थे, जिन्हें सांसारिक कार्यों में ज़्यादा रुचि ना होकर माँ काली की भक्ति में अधिक रुचि थी। दोस्तों, कुछ पदावलियों में अयन यादव को एक नपुंसक भी बताया जाता है। असल में अयन अपने पूर्व जन्म में काफ़ी तपस्या कर रहे थे ताकि वो माता लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकें, किंतु नारायण ने उनकी एक ना सुनी। तब अयन ने अपनी तपस्या को और भी ज़्यादा कठिन करना शुरू कर दिया। अनेक व्रत किए। उसने अपनी तपस्या में स्वयं को अग्निकुंड के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और ये सब देखकर नारायण को प्रकट होना ही पड़ा। किंतु नारायण ने उन्हें काफ़ी समझाया कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी हैं, उनकी अनंत संगनी हैं, वो कैसे उन्हें ये वरदान दे दें कि वो अयन की पत्नी बने, ये संभव ही नहीं है। किंतु अयन जिद पर अड़े रहे। उसने कहा कि सारा संसार जानता है प्रभु कि आप अपने भक्तों की तपस्या का फल अवश्य देते हैं, आप मेरी इच्छा को ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं प्रभु। तब नारायण को भी अपना कर्म करना पड़ा और अयन को अपना कर्म करते हुए उसकी तपस्या का फल देना पड़ा, उसे वो वरदान देना पड़ा जो वो चाहता था। उन्होंने कहा कि लो, तुम्हें देवी लक्ष्मी की प्राप्ति पत्नी के रूप में होगी मेरे 8वें अवतार के दौरान, जब मैं श्री कृष्ण के रूप में और देवी लक्ष्मी राधा के रूप में धरती पर अवतरित होंगी। किंतु एक शर्त है, तब तुम ना स्त्री होगे ना पुरुष। इस वजह से राधा रानी व अयन का विवाह तो हुआ, किंतु उनके बीच में कभी पति पत्नी के संबंध नहीं रहे। और क्योंकि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा बालपन में ही करवाया जा चुका था भांडीरवन नामक स्थान पर, इसीलिए अयन से उनका विवाह वैसे भी मान्य नहीं कहा जा सकता। राधा रानी के लिए ये विवाह एक जन्म के कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं रहा। उनका हृदय, उनकी आत्मा सदैव श्री कृष्ण को समर्पित रही। अयन को राधा जी का नाम का पति या मिथ्या पति कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्रीय साहित्य भी हैं जो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा रानी और अयन भी वृंदावन छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर बस गए, जहाँ पर अयन ने राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को समझा और उसमें उन्होंने विघ्न उत्पन्न नहीं किया। राधा रानी सदैव श्री कृष्ण को समर्पित रही और इस प्रकार उन्होंने एक आम गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। लेकिन आज भी यदि अधिकतम मतों की माने तो राधा रानी ने श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद कभी भी विवाह ही नहीं किया। वो सदैव अविवाहित और किशोरी जी ही रही। क्योंकि उन्हें किशोरी होने का वरदान भी मिला था, तो सदैव वो श्री कृष्ण के प्रेम व भक्ति में डूबी रही और अयन से शादी होने के तर्क को ये लोग मिथ्या मानते हैं। लेकिन बंगाल में और पदावली लिटरेचर में काफ़ी हद तक हमें अयन के होने के मत मिलते हैं। शायद कभी राधा और अयन का विवाह हुआ था। वास्तव में राधा रानी के और हम सभी के एकमात्र पति तो श्री कृष्ण ही हैं और रहेंगे भी, क्योंकि पति का वास्तविक अर्थ होता है वो जो कि हमारे सर्वस्व की सदैव रक्षा करे, उसका मान करे, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में इतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishnamysoulkhushboo और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।